नमस्ते दोस्तों, राधा स्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ साबूदाना की बहुत ही टेस्टी खीर, और ये खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी बनती है। आप देख पा रहे हो इसका टेक्सचर, और बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं साबूदाना की खीर। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैंने हाफ कप साबूदाना लिया है, और यहाँ पे देख पा रहे मैंने बड़ा दाना लिया है साबूदाना का। खीर के लिए आप बड़ा दाना का ही यूज़ करें। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार पानी से। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे धो लिया है, इसका जो स्टार्च था वो निकल गया, एक्स्ट्रा स्टार्च। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब। और इसे हम इस तरह से छोड़ देंगे लगभग 1.5 से 1 घंटे के लिए, कवर करके छोड़ देंगे ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 1 घंटे के बाद अब मैं गैस पे कढ़ाई रख रही हूँ, नॉनस्टिक मैंने यहाँ पे लिया है, और इसमें हम लगभग 1/2 लीटर दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है, आप चाहे तो भैंस का दूध या पैकेट का दूध ले सकते हैं। और दूध में हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और दूध को 3 से 4 मिनट उबलने देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूध थोड़ा सा थिक हो गया, 4 से 5 मिनट मैंने इसे उबलने दिया था। और यहाँ पे जो है साबूदाना भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे साबूदाना बिल्कुल फूल गया है, और इसके जो दाने हैं बिल्कुल खिले खिले से हो गए, पानी भी बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो गया है, सारा सोख लिया है साबूदाना। तो इस साबूदाना को हम दूध में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल ही लो रखा है। सारा साबूदाना हम ऐड कर देंगे और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये जो साबूदाना का खीर है बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद देखेंगे सारा साबूदाना जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है दूध के ऊपर। और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के बाद, लगभग 3 से 4 मिनट के बाद बिल्कुल साबूदाना ऊपर आ गया है। लेकिन ये अभी इसे हमें लगभग 15 से 20 मिनट पकाना है लगातार चलाते हुए। गैस का फ्लेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं लो टू मीडियम पे, और इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ, बिल्कुल पतला पतला मैंने इसे कट कर लिया है। आप चाहे तो काजू किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साबूदाना को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और इसके जो दाने हैं वो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने लो और मीडियम ही रखा, और लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं साबूदाना को पकते हुए, और ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मैंने 2 इलायची के दाने को इस तरह से कूट के डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद नहीं है इलायची का टेस्ट तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो खीर है वो लगभग बन के तैयार हो चुका है, और इसे हम 2 से 4 मिनट और पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम मैंने लो और मीडियम ही रखा है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये नीचे से बिल्कुल चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए खीर बहुत ही गाढ़ा हो गया है, और अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देखिए कितना बिल्कुल गाढ़ा सा दिख रहा है, ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा होते जाएगा। तो हम इसे सर्व अभी नहीं करेंगे, हम इसे 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। 10 मिनट के बाद अब हम खीर को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये साबूदाना का खीर बना है। तो आप इसे किसी भी व्रत में, फेस्टिवल में बना सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आता है, और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से गार्निश कर लेते हैं। और साबूदाना खीर को यहाँ पे बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है, और ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता है, ठंडा होता है, वो उतना ही गाढ़ा होते जाता है। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रबड़ी के जैसा ये हमारा साबूदाना का खीर बनके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।